हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में पढ़ेंगे। बैसिलस एंथ्रासिस, सबसे पहले ये देखते हैं कि बैसिलस क्या होता है। बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है। इनका शेप रॉड के समान होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक, उनको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और यूजुअली ये एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेडिकली इम्पॉर्टेंट तीन बैसिलस होते हैं, बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस सेरस एंड बैसिलस सबटिलस, जिसमें से आज हम बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बैसिलस एंथ्रासिस के। ये रॉड शेप्ड होते हैं और ये चेन्स में अरेंज्ड होते हैं, सिंगल या डबल में नहीं होते या और किसी शेप में नहीं होते। रॉड शेप्ड होते हैं पर चेन्स में अरेंज्ड होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल ना होके स्क्वायर एंड्स होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं और जिसका मतलब है कि ये ग्राम स्टेन को रिटेन करके रखते हैं और इनका सेल वॉल थिक होता है। ये डीपली स्टेन्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर को, कार्बन फिस्टिन को रिटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वायलेट या डार्क पर्पल कलर के दिखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें कि बैसिलस एंथ्रासिस का स्ट्रक्चर है। ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं मतलब ये सेंट्रली अपने अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये डोरमेंट स्टेज में होते हैं या जब ये लाइव नहीं होते, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होते हैं, ये अपने अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाते हैं या इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये अपने स्पोर्स को ब्लास्ट करते हैं और जो भी होस्ट इसे इनहेल करता है या इसके कांटेक्ट में आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये उस होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्योंकि अपने अंदर ही सेंट्रली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इनका साइज़ होता है 1 to 1.2 माइक्रोमीटर विड्थ में और 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में, और ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस, कि ये इतने विरुलेंट क्यों हैं और ये किस टाइप के टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं। इनका जो सेल वॉल, इनका जो कैप्सूल होता है वो एंटी फेगोसिटिक होता है क्योंकि ये डी ग्लूटामेट से बना होता है। जैसे कि हमने जब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो हमने ये देखा था कि जो यूजुअली कैप्सूल्स होते हैं ऑलमोस्ट मोस्टली बैक्टीरिया के, वो पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। उनमें भी कुछ एंटी फेगोसिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर उसके साथ साथ जो ये बैसिलस एंथ्रासिस है वो डी ग्लूटामेट से बना होता है, जो कि उसको ज़्यादा विरुलेंट बनाता है। मतलब उस विरुलेंट का मतलब होता है डिसीज़ कॉजिंग कैपेसिटी, वो उसको ज़्यादा डिसीज़ कॉजिंग कैपेबिलिटी देता है क्योंकि वो फैगोसाइट को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि उसका कैप्सूल डी ग्लूटामेट से बना होता है। फिर देखते हैं कि वो कैसे कैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है एडिमा फैक्टर टॉक्सिन, जिसके वजह से एडिमा होती है। एडिमा या को स्वेलिंग भी बोलते हैं। स्वेलिंग का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है एडिमा। तो जब होस्ट में ये जाता है, किसी भी ससेप्टेबल होस्ट में इस पैथोजन की एंट्री होती है बैसिलस एंथ्रासिस की, तो उसके सिम्टम्स में यूजुअली स्वेलिंग जो होता है वो सबसे मेन सिम्टम होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एडिमा फैक्टर टॉक्सिन। नेक्स्ट है लीथल फैक्टर टॉक्सिन, जो कि टिश्यू नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एंटीजन टॉक्सिन। इस टॉक्सिन की वजह से इसका वैक्सीन बनाया जा सकता है, और इस टॉक्सिन का यूज़ करके इसका वैक्सीन बनता है, जिससे कि इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से डिसीज़ कॉज करता है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रैक्स डिसीज़ कॉज करता है।
जो कि मेनली जूनोटिक होता है. जूनोटिक मतलब ये एनिमल्स में होता है, पर ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है. जो ह्यूमंस उस एनिमल या इन्फेक्टेड एनिमल मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके वजह से ह्यूमन में भी हो सकता है. या तो सॉइल हैंडल कर रहे हैं, या कैटल के रेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं और कट्स और वूंड्स हैं, या उनके स्पोर्स को इनहेल कर दिया, या इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खा लिया, तो उस वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन पोर्टल ऑफ एंट्री के बेसिस पे किया गया है कि किस माध्यम से बैक्टीरिया या बैसिलस एंथ्रासिस ह्यूमन होस्ट के अंदर जा रहा है. फर्स्ट है क्यूटेनियस. ये सबसे कॉमन एंथ्रैक्स है, सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एंथ्रैक्स है, जो कि क्यूटेनियस रूट से होता है. 95% केसेस ऑफ एंथ्रैक्स क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होते हैं और इनकी पोर्टल ऑफ एंट्री होती है स्किन. अगर स्किन में कोई कट या वूंड है तो ये हो सकता है, क्यूटेनियस एंथ्रासिस हो सकता है. ये इन्फ्लेमेटरी ब्लैक नेक्रोटिक लीजन्स घाव, नेक्रोटिक घाव बनाते हैं स्किन में जहाँ से भी एंट्री करते हैं, और फिर उसके बाद ये स्प्रेड होके पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी या तो पस फॉर्मिंग होते हैं, ब्लैक कलर के नेक्रोटिक, मतलब जहाँ पर भी ये घाव होता है वहाँ की टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है. तो इन्फ्लेमेटरी ब्लैक नेक्रोटिक लीजन्स फॉर्म करते हैं. इसके सिम्टम्स देखेंगे, सोर घाव रहता है फेस में, नेक में, आर्म्स में या हैंड्स में, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 7 days. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एक्सपोजर में आने के बाद सिम्टम्स कितने दिन में दिखते हैं उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, मतलब कब से सिम्टम्स दिखने लगते हैं एक्सपोजर में आने के बाद से. तो 1 to 7 days का टाइम लेते हैं ये सिम्टम्स अपीयर करने के लिए. नेक्स्ट है इन्हेलेशन. इन्हेलेशन तब होता है जब इन एंडोस्पोर्स को या ये जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, उनको हम इन्हेल कर लें, तो इन्हेलेशन एंथ्रैक्स होता है. ये बहुत रेयर होता है पर फैटल होता है, मतलब ये बहुत ही सीरियस होता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. पोर्टल ऑफ एंट्री होती है नोज. नोज के थ्रू अंदर जाता है जब इन्हेल करते हैं हम, किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर एंथ्रैक्स ज़्यादा फैला हुआ है, या हम उन कैटल्स की रेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं जिनको एंथ्रैक्स हुआ है, तो उस वजह से हम उनके स्पोर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हेल कर सकते हैं, या उनके सॉइल, इन्फेक्टेड सॉइल के साथ हम काम कर रहे हैं और उस सॉइल में स्पोर्स प्रेजेंट है तो उन स्पोर्स को इन्हेल किया जा सकता है. और इनडायरेक्टली अगर किसी और को एंथ्रैक्स है और उनके ड्रॉपलेट्स को हमने इन्हेल कर लिया, उन्होंने कफ किया या स्नीज किया और उनके ड्रॉपलेट्स को इन्हेल किया, तो इन्हेलेशन एंथ्रैक्स दूसरे ह्यूमन होस्ट को भी हो सकता है. सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, रनी नोज, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, बॉडी एक होता है, डायफोरोसिस होता है, सेप्टिक शॉक या मेनिनजाइटिस भी हो सकता है. सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन की वजह से शॉक का होना. शॉक इज ब्लड का कम सप्लाई होना टू द टिश्यूज़, जिसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है और इवेंचुअली मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो जाता है. मेनिनजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजीज. इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 7 days to 2 months, मतलब इसके सिम्टम्स अपीयर होने में एक्सपोजर के बाद 7 days to 2 months तक लग सकते हैं. नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स. ये तब होता है जब एंथ्रैक्स को हमने एंथ्रैक्स इन्फेक्टेड मीट को इंजेस्ट कर लिया हो, खा लिया हो, तो उस रूट से होने वाले एंथ्रैक्स को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स बोलते हैं. ये भी रेयर होता है पर फैटल होता है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है. पोर्टल ऑफ एंट्री माउथ होता है जब इनके स्पोर्स को या इन्फेक्टेड मीट को इंजेस्ट किया जाता है. सिम्टम्स फीवर विथ चिल्स. चिल्स मतलब होता है शिवरिंग के साथ फीवर होता है. स्वेलिंग ऑफ नेक में स्वेलिंग दिखती है, स्वॉलो करने में दिक्कत होती है, सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस, भारी आवाज़ हो जाती है, नोजिया, हेमाटोमिसिस इज ब्लड एंड वॉमिटिंग में ब्लड होगा, डायरिया, फ्लशिंग, डायरिया के साथ कभी कभी डायरिया में भी ब्लड आता है,
फ्लशिंग होगी और एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, एब्डोमेन फूल जाएगा और स्वोलन होगा और आइज रेड होगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 7 days, मतलब इसको इसके सिम्टम्स अपीयर होने में एक्सपोजर के बाद 1 से 7 दिन का समय लग सकता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वाया नीडल, तो इन्फेक्टेड नीडल की वजह से भी ये डिसीज़ हो सकती है। ये बहुत ही रेयर होता है और पर ये सबसे जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है क्योंकि डायरेक्टली इसका क्योंकि डायरेक्टली इसकी एंट्री जो होती है, स्पोर्स की एंट्री या बैक्टीरिया की एंट्री, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होती है, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री इज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्टेड नीडल के द्वारा। सिम्टम्स क्यूटेनियस एंथ्रैक्स के जैसे ही होते हैं और एडिशनल सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, बम्स या ब्लिस्टर्स दिखते हैं, फफोले पड़ जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर नीडल का इंसर्शन हुआ है, इचिंग होती है उस जगह पर जहाँ से इंजेक्शन इंसर्ट किया गया है और वहाँ के टिश्यूज़ में, डीपर टिश्यूज़ में अंदर एब्सेस या पस का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर सिवियर हो गया तो शॉक या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो ये थे 4 types ऑफ एंथ्रैक्स, जिसमें फर्स्ट था क्यूटेनियस, इन्हेलेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड इंजेक्शन एंथ्रैक्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये होस्ट में होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद दूसरों तक कैसे फैल सकते हैं, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। एयरबोन ड्रॉपलेट्स के द्वारा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा दूसरों में फैल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो ये एंथ्रेक्स के ड्रॉपलेट्स, ये जो स्पोर्स रहते हैं वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दूसरों तक फैल सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर किसी कोई एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसको टच कर लिया या किसी सरफेस में या सॉइल में जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली टच कर लिया, या कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने या इंसेक्ट ने बाइट या स्टिंग कर लिया तो भी हो सकता है, या इन्फेक्टेड मीट के कंजम्पशन से भी हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। 60 days का ट्रीटमेंट होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूरोक्विनोलोन्स और पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स का 60 days का ट्रीटमेंट होता है एक्सपोजर के बाद। 3 series में एंथ्रैक्स वैक्सीन दिया जाता है इन्हीं 60 days के दौरान में, और अगर इससे ठीक नहीं होता तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि रैक्सीबैकम और ऑब्लिटॉक्सासिम। प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं, एंथ्रैक्स वैक्सीन को देते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मिलिट्री में काम करने वाले लोग या उस एरिया में जिसमें एंथ्रैक्स फैला हुआ है वहाँ पे जितने भी लोग कैटल रेयरिंग मीरिंग या फिर मीट हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या मीट हैंडलिंग करते हैं, या जो लोग उस एरिया में रहते हैं, जो ऐसे हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं या जो उस एरिया में ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को वैक्सीनेशन करने से प्रिवेंशन किया जा सकता है, और इन्फेक्टेड एनिमल्स को और उनके मटेरियल्स को अवॉइड करना है। अगर पहले से ही हमें पता है कि हम किसी एंथ्रैक्स इन्फेक्टेड कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा कैटल्स को अवॉइड करना है, अपनी सेफ्टी बनाकर रखना है, अपने क्लोथ्स को बाहर से आने के बाद वॉश करना है, प्रॉपर सनलाइट में डालना है, और उसके बाद अगर हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है। इन्फेक्टेड मीट नहीं खाना है, स्पेशली उस एरिया में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर एंथ्रैक्स फैला हुआ है, और अगर कैटल को भी वैक्सीनेट करना है और उन कैटल से दूरी बनाए रखना है जिनको इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं एंथ्रैक्स का। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एंथ्रैक्स डिसीज़ कॉज करते हैं। मोस्टली ये जूनोटिक होता है, मतलब एनिमल्स में होता है, पर जो लोग इस बैक्टीरिया के या स्पोर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं उन ह्यूमंस में भी ये डिसीज़ हो सकता है।
प्रिवेंशन के लिए एंथ्रैक्स वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनको दिया जाता है, और ट्रीटमेंट में 60 डेज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं एंटीबायोटिक्स का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैल सकता है, और 4 टाइप के होते हैं। क्यूटेनियस अगर एंट्री स्किन से होती है, इन्हेलेशन अगर स्पोर्स को इन्हेल करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर मीट इंजेस्ट किया है तो, और लास्ट था इंजेक्शन, जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं अगर इन्फेक्टेड नीडल से होता है तो उसको इंजेक्शन एंथ्रैक्स बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।